दोस्तों जल्दी से अपने चैनल आवरग्रुप जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे आई होप। सब तैयारी करेंगे एग्जाम्स की जो कि आने वाले हैं जल्दी ही। और बच्चों, अभी हम लोग एक स्टोरी स्टार्ट करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, ब्रिज यूनिवर्सिटी के, अ डेज वेट। इट वॉज रिटन बाई अर्नेस्ट हेमिंग वे। तो अर्नेस्ट हेमिंग वे कौन थे? अर्नेस्ट हेमिंग वे थे फेमस अमेरिकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर बोल सकते हैं आप, है ना। तो इनका जन्म 1899 में हुआ, डेथ 1961 में हुई। सो ये इनका लाइफ स्पेन था और ये फेमस अमेरिकन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बहुत ही फेमस रहे हैं ये एज ए राइटर, और कह सकते हो इनको जाना जाता था इनकी आर्ट ऑफ नैरेटिव के लिए। आर्ट ऑफ नैरेटिव का मतलब होता है कहानी सुनाने का तरीका। ये जिस तरह की स्टोरी लिखा करते थे, चाहे वो नोवेल की स्टोरी हो चाहे शॉर्ट स्टोरी हो, वट एवर दैट वॉज, इनका जो स्टोरी बताने का तरीका होता था ना, वो सबसे अलग था। या फिर बोल सकते हैं वो इनका मेन पॉइंट था जिसके ऊपर, मतलब जिनकी वजह से इनको जाना जाता है। और इसी पॉइंट पर, कि आर्ट ऑफ नैरेटिव के ऊपर ही देखा जाए, तो इनको नोबेल प्राइज मिला था 1954 में, जैसा कि मैंने बताया ना। तो इनका जो फर्स्ट नोवेल था वो द सन ऑल्सो राइजेज आया, है ना। सन ऑल्सो राइजेज 1918, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद में आया इनका। एक्चुअली उनके एक्सपीरियंस, सॉरी सेकेंड नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एक्सपीरियंस के बाद में द सन ऑल्सो राइजेज आया, ठीक है। फिर उसके बाद में इनकी कुछ और नॉवेल्स आए, लाइक अ फेयरवेल टू आर्म्स, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर रहा, है ना, फॉर हुम द बेल टॉल्स, ये भी बहुत ही पॉपुलर नॉवेल है इनका। फिर एक नॉवेला आया, मतलब छोटा नॉवेल का नॉवेला बोलते हैं, तो वो क्या था, द ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन इन द सी एक नॉवेला, परंतु आप बोल सकते हो इनके सभी जो लिटरेरी पीसेस थे उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है, द ओल्ड मैन इन द सी। फिर इनको क्या हुआ, पुलित्जर प्राइज मिला 1953 में, नोबेल प्राइज मिला 1954 में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और लेटर ऑन ही कमिटेड सुसाइड इन 1961, और 1961 में इनने सुसाइड कमिट कर ली। एक्चुअल में ऐसा होता ही है कि राइटर कोई नॉर्मल तरीके से उसकी डेथ हो जाए तो भाई बड़ा अजीब हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द फेमस जो राइटर्स रहे हैं वो किसी न किसी अजीब अजीब तरीके, या तो ट्रेजेडी वगैरह, कोई ना कोई डिफरेंट वे ऑफ तरीके से इनकी डेथ होती है। मतलब अगर आपने नोटिस किया हो फेमस फेमस राइटर्स का, रोमांटिक एज के राइटर्स देखोगे तो सारे ही, मतलब बहुत अर्ली एज में इनकी डेथ हो गई, वो बहुत अलग अलग तरीके से मरे सबके सब। तो इन्होंने सुसाइड कर लिया 1961 में, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो बहुत ही फेमस राइटर रहे, बहुत ही अच्छे राइटर रहे। अभी हम लोग इनकी आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अ डेज वेट, शॉर्ट स्टोरी है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अ डेज वेट ये शॉर्ट स्टोरी है, ये एक्चुअल में आप बोल सकते हो थोड़ा मिसकंसेप्शन, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा चाइल्ड साइकोलॉजी, या आप पैटर्नलिज्म, इनके ऊपर बता ये स्टोरी है। ये मैं समझाऊंगा कैसे कैसे क्या क्या है। हम टेक्स्ट पढ़ेंगे बट मैं टेक्स्ट पे इतना फोकस ना करके आपको इसकी कुछ टेक्स्ट तो मैं पढ़ाऊंगा, परंतु फोकस कहाँ होगा, थीम्स पर फोकस होगा। फोकस होगा ये स्टोरी क्या बताना चाहती है, उन चीजों पर फोकस होगा। देखो शुरू करते हैं हम, कि ही केम इनटू द रूम टू शट द विंडोज व्हाइल वी वर स्टिल इन बेड एंड आई सॉ ही लुक्ड इल। देखो कहानी सुनाई जा रही है, एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, उसके फादर के तरफ से, मतलब फादर नैरेटिव बता रहा है, मतलब कहानी कौन सुना रहा है, फादर है, ही इज द नैरेटर, ठीक है। तो बोलता है कि वो मेरे कमरे, मतलब वो कमरे में आया, उसने खिड़कियां बंद करी, एंड जब हम अभी बेड में ही सो रहे थे, हम बेड पे सो रहे थे उस वक्त, हमें मतलब सुबह का टाइम है, हम बेड पे सो रहे थे, वो अचानक कमरे में आया, खिड़कियां बंद करी, मैंने उसको देखा कि वो बीमार था। ही लुक्ड इल, वो कैसा नजर आ रहा था, बीमार नजर आ रहा था। ही वॉज शिवरिंग, वो कांप रहा था, हिज फेस वॉज व्हाइट, उसका चेहरा सफेद था, एंड ही वॉक स्लोली एज दो इट एक टू मूव, और वो धीरे धीरे चल रहा था जैसे कि उसको चलने में दर्द हो रहा हो, एक टू मूव मतलब उसे दर्द हो रहा हो, जैसे ही वॉज इन पेन लाइक, है ना। What's the matter, Shuds? क्या मैटर है Shuds? Shuds actually ये जर्मन नेम है, ये क्या है, जर्मन नेम है, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है मेरा, इसको कुछ Shuds भी पढ़ते हैं, कुछ को Shuds भी पढ़ते हैं, अब वॉट एवर दैट इज, हम इसको Shuds पढ़ेंगे ना। कि What's the matter, Shuds? कि Shuds क्या मैटर है, यानी क्या मामला है, क्या परेशानी है, तुम दर्द में कैसे नजर आ रहे हो, कहने का मतलब ये है, वो फादर अपने बच्चे से पूछता है। तो बोलता है आई हैव गॉट अ हेडेक, मुझे सर दर्द हो रहा है, यू बेटर गो बैक टू बेड। तो उसका फादर बोलता है तो तुम जाओ सो जाओ फिर वापस से। तो फिर बच्चा बोलता है नो आई एम ऑलराइट, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, यू गो टू बेड, आई विल सी यू व्हेन आई एम ड्रेस्ड। तो फिर उसका फादर फिर बोलता है नहीं नहीं तुम जाओ सो जाओ, मैं एक बार कपड़े पहन के आता हूँ फिर तुमसे मिलता हूँ, ठीक है। बट व्हेन आई केम डाउन स्टेयर, परंतु फिर जब मैं नीचे आया, यानी वो फादर नीचे आया, तो बोल रहा है कि जब मैं नीचे आया तो ही वॉज ड्रेस्ड, तो उसने कपड़े पहन रखे थे, सिटिंग बाय द फायर, आग के पास में बैठा हुआ था, लुकिंग अ वेरी सिक एंड मिजरेबल बॉय ऑफ 9 ईयर।
और वो दिखने में बहुत ही बीमार दयनीय स्थिति में नजर आ रहा था मुझे। एक 9 साल का बच्चा है वो, एक्चुअली मुझे शर्ट्स क्या है, एक 9 साल का लड़का है और वो उसको बहुत बीमार नजर आया उसके फादर को। When I put my hand on his forehead, I knew he had a fever. जब मैंने उसका सिर चेक किया ऐसे हाथ लगा के, तो मैंने देखा कि बिल्कुल मुझे पता था कि इसको बुखार है और उसको बुखार ही था। You go up to bed, I said. You are sick. तो मैंने उससे कहा कि तुम जाओ सो जाओ बेड पे, तुम बीमार हो। You are sick. तुम बीमार हो। तो वो बोलता है I'm all right. उसने कहा he said I'm all right. नहीं मैं ठीक हूँ। देखो सॉरी आप नोटिस कर रहे हो, फादर है वो इंसिस्ट कर रहा है बच्चे को कि तुम जाओ सो जाओ, मुझे पता है तुम बीमार हो। बच्चा सिर्फ 9 साल का है, बच्चा सिर्फ 9 साल का है, पर वो बार बार बोल रहा है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। ये क्या दिखा रहा है? बच्चा एक्चुअल में अपनी एज से बढ़कर एक्ट कर रहा है, यानी कि वो उस तरह से एक्ट कर रहा है जैसे कि वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है, थोड़ा समझदार है और वो थोड़ा ब्रेव बनने की कोशिश कर रहा है। बोल रहा है कि नहीं मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 9 साल के बच्चे ऐसे एक्ट नहीं करते हैं, परंतु बच्चा ऐसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, बोलते हैं व्हेन द डॉक्टर केम ही टुक द बॉयज टेम्परेचर। फिर डॉक्टर आया और उसने बच्चे का टेम्परेचर लिया। What is it? I asked him. तो मैंने उससे पूछा, मैंने मतलब जो कहानी सुना रहा है नैरेटर यानी फादर, वो बोलता है कि मैंने उससे पूछा What is it? क्या समस्या, मतलब कितना आया? तो डॉक्टर बोलता है 102, 102 टेम्परेचर फारेनहाइट है, ठीक है 102 फारेनहाइट टेम्परेचर आया है। ठीक है, डाउनस्टेयर्स द डॉक्टर लेफ्ट 3 डिफरेंट मेडिसिन इन डिफरेंट कलर्ड कैप्सूल्स विद इंस्ट्रक्शंस फॉर गिविंग देम। तो फिर वो फादर और डॉक्टर दोनों नीचे आए सीढ़ियों से उतर के, ठीक है साथ साथ नीचे आए। तो डॉक्टर ने 3 तरह की दवाइयां दी, 3 अलग अलग कलर के कैप्सूल थे और इंस्ट्रक्शन दिए कि कब कब कैसे देने हैं बच्चे को। ठीक है, वन वाज टू ब्रिंग डाउन द फीवर, एक कैप्सूल तो बुखार कम करने के लिए, अनदर है परगेटिव एंड थर्ड टू वर्कमैन एसिड कंडीशन, है ना। और आप बोल सकते हो कि दूसरा वाला है वो है परगेटिव, परगेटिव मतलब ऐसी मतलब दवाई जो बेसिकली आपका पेट साफ करे एक तरीके से, आप ऐसा बोल सकते हो। मतलब अगर किसी का डाइजेशन सिस्टम सब सही नहीं काम कर रहा है तो उसको एक तरह से दस्त लग जाए हल्का हल्का उस तरह से, मतलब उसका पेट साफ हो जाए। तो पहली दवाई तो बुखार कम करने की थी, दूसरी परगेटिव थी पेट साफ करने के लिए, एंड थर्ड वन टू ओवरकम एन एसिड कंडीशन कि अगर एसिड की मात्रा बढ़ गई है उसकी बॉडी में, लाइक अम्ल, एसिड मीन्स अम्ल, इफ द एसिड क्वांटिटी यानी एसिड क्वांटिटी बढ़ गई बॉडी में, तो उस कंडीशन को डील करने के लिए, निपटने के लिए तीसरी गोली थी। तो जर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंजा कैन ओनली एग्जिस्ट इन एसिड कंडीशन, क्योंकि देखो बीमारी, जिस बीमारी का उनको अंदेजा है वो इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा बीमार बीमारी की बात हो रही है कि इन्फ्लुएंजा बीमारी की जो जर्म्स हैं, जर्म्स क्या होते हैं कीटाणु जीवाणु, तो इन्फ्लुएंजा बीमारी के जर्म्स केवल एसिड कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए एसिड कंडीशन को खत्म करना जरूरी है इन जर्म्स को खत्म करने के लिए, इसलिए वो गोली दी। ठीक है, इस तरह से समझाया डॉक्टर ने। तो ही सीम टू नो ऑल अबाउट इन्फ्लुएंजा एंड सेड देयर वाज नथिंग टू वरी अबाउट इफ द फीवर डिड नॉट गो अबाउट 104 डिग्री। तो डॉक्टर ऐसा नजर आता है जैसे डॉक्टर को इन्फ्लुएंजा के बारे में सब कुछ पता है और उसने कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर फीवर यानी बुखार 104 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दिस वाज अ लाइट एपिडेमिक ऑफ फ्लू एंड देयर वाज नो डेंजर इफ यू अवॉइड निमोनिया। तो एक तरह से नॉर्मल फ्लू की बीमारी बताई डॉक्टर ने और बोला कोई खतरे वाली बात नहीं है अगर आप निमोनिया से बचा सके इसको, इसको निमोनिया नहीं होने देना है, मतलब सीधी सी बात है बच्चे को। ठीक है, बैक इन द रूम आई रोट द बॉयज टेम्परेचर डाउन एंड मेड ए नोट ऑफ द टाइम टू गिव द वेरियस कैप्सूल्स। तो कमरे में पीछे क्या हुआ, जो नैरेटर है जो मतलब फादर है बच्चे का, वो बोल रहा है कि पीछे कमरे में मैंने बच्चे का टेम्परेचर नोट किया और एक नोट भी लिखा कि भाई ये दवाइयाँ कब कब कैसे कैसे देनी है मुझे, और डू यू वॉन्ट मी टू रीड टू यू। अब वो पूछ रहा है बच्चे से कि क्या तुम्हारे लिए मैं पढ़ू, यानी कोई किताब पढ़ू, कोई कहानी सुनाऊँ तुम्हें। ऐसा अक्सर होता है ना, बच्चों को कहानी सुनाया जाता था कि उनका मन बहल जाए, तो इस तरह से वो फादर अपने बच्चे से पूछ रहा है क्या मैं तुम्हें कोई स्टोरी सुनाऊँ, कुछ कुछ पढ़ के दिखाऊँ तुम्हें, कुछ सुनाऊँ पढ़ के। तो ऑल राइट इफ यू वॉन्ट टू, सेड द बॉय। तो बच्चा कैसे एक्ट कर रहा है कि हाँ ठीक है अगर आप करना चाहो तो, है ना, सेड द बॉय। देखो बच्चा डिमांड नहीं कर रहा है कि मुझे स्टोरी सुनाओ, बच्चा एकदम जैसे कि अडल्ट एक्ट करते हैं ना, हाँ आपकी मर्जी, आप अगर पढ़ना सुनाना चाहते हो सुना दो, मतलब बच्चे की कोई वो डिमांड नहीं कि मुझे सुनाओ। ठीक है, तो बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा बढ़ के एक्ट कर रहा है एक तरह से वैसा। हिज फेस वॉज वेरी व्हाइट एंड देर वॉज डार्क, देर डार्क एरियाज अंडर हिज आईज। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और उसकी आंखों के नीचे क्या थे, डार्क एरियाज, गहरे गहरे रंग के एक तो धब्बे पड़े हुए थे उसकी आंखों के नीचे। ही लेस स्टिल इन द बेड एंड सीम्ड वेरी डिटैच्ड फ्रॉम व्हाट वाज गोइंग ऑन। वो बेड पे सिंपल पड़ा हुआ था और जो कुछ हो रहा था ना उससे बिल्कुल ही डिटैच्ड था, मतलब उसका फादर स्टोरी सुना रहा है तो उसको स्टोरी से कोई लेना देना नहीं, वो डिटैच्ड है, वो स्टोरी के साथ में अटैचमेंट नहीं रख रहा, यानी उसका ध्यान दे ही नहीं रहा एक तरह से, वो डिटैच्ड फील कर रहा है। ठीक है, आई रीड अप अलाउड फ्रॉम द हार्वर्ड पायल्स बुक ऑफ पायरेट्स। तो मैंने उसको पढ़ के सुनाया, हार्वर्ड पाइल की किताब है बुक ऑफ पायरेट्स, वो मैंने उसको पढ़ के सुनाई जोर जोर से। ठीक है, बट आई कुड सी ही वाज नॉट फॉलोइंग व्हाट आई वाज रीडिंग। परंतु मैं देख सकता था मैं क्या पढ़ के सुना रहा हूँ वो ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, हाउ डू यू फील शर्ट्स, आई आस्क्ड हिम। मैंने उसे पूछा तुम कैसा फील हो रहा है शर्ट्स। जस्ट द सेम सो फार, ही सेड। उसने बोला वैसा ही फील हो रहा है जैसे पहले था, जस्ट द सेम।
I sat at the foot of the bed and read to myself while I waited for it to be time to give another capsule. मैं बेड के फुट पर, मतलब कहने का मतलब है बेड के नीचे की तरफ किनारा, जैसे बेड होता है ना, इस तरह से बोल सकते हो ये बेड है। अब बेड तो बड़ा गंदा बनाया है मैंने, ठीक है, जो भी बेड है ये, ठीक। तो मैं एक तरफ बच्चा सो रहा है और बेड के फुट पे वो एक तरह से एंड में बैठा हुआ है, एंड बोल सकते हो वो खुद ही पढ़ने लग गया। वेटेड व्हाइल आई वेटेड फॉर इट टू बी टाइम टू गिव अनदर कैप्सूल, दूसरे कैप्सूल देने का समय जब तक नहीं हो गया तब तक बोल रहे हैं मैं खुद ही पढ़ने लग गया कहानी, खुद ही को मतलब एक तरह से बच्चा सुन नहीं रहा है, ध्यान दे नहीं रहा, तो खुद ही स्टोरी पढ़ने लग गया एक तरह से। इट वुड हैव बीन नेचुरल फॉर हिम टू गो टू द स्लीप बट व्हेन आई लुक्ड अप ही वाज लुकिंग एट द फुट ऑफ द बेड लुकिंग वेरी स्ट्रेंजली। ये उसके लिए बहुत ही नेचुरल होता है, इट वुड हैव बीन नेचुरल फॉर हिम टू गो टू, उसे सो जाना चाहिए था अब तक, परंतु जब भी मैं उसकी तरफ देखता वो कहाँ देख रहा होता, वो देख रहा होता बेड के फुट की तरफ और बड़े अजीब से देख रहा होता, मतलब एक तरीके से वो बेड की तरफ पायों की तरफ देख रहा है, नीचे बेड की तरफ पायों की तरफ देख रहा है जो बेड के पाए, और वो बड़े अजीब ढंग से देख रहा है एक तरीके से। व्हाई डोंट यू ट्राई टू गो टू स्लीप, अब देखो जो फादर बच्चे से बोल रहे तुम सोने की कोशिश क्यों नहीं करते, आई विल वेक यू अप फॉर द मेडिसिन, जब तुम्हारा दवाई का समय होगा मैं तुम्हें जगा दूंगा दवाई देने के लिए। आई वुड रादर स्टे अवेक, तो बच्चा बोलता नहीं मैं तो जगता रहूंगा, मैं जगना प्रेफर करूंगा। After a while he said to me, थोड़ी देर बाद उसने मुझसे कहा, you don't have to stay in here with me, papa. papa, आपको मेरे साथ यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है। If it bothers you, अगर यह आपको परेशानी दे रहा है, तो मतलब आपको यहाँ मेरे साथ रुकने में परेशानी हो रही है, तो आपको यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं। देखो बच्चे का एटीट्यूड देखो, 9 साल का बच्चा इतना समझदारी से बात करेगा, तो देखो वो बोल रहा है कि आपको यहाँ मेरे साथ रुकने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आप जा सकते हैं, आप सो जाइए जाके इधर से, मतलब एक तरह से वो फादर को बोल रहा है कि आप वैसे जा सकते हैं। इट डजेंट बॉदर मी, तो फादर बोल रहा है नहीं मुझे ये परेशान नहीं करता है, मतलब मुझे परेशान नहीं कर रहा है, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ। नो आई मीन यू डोंट हैव टू स्टे इफ इट्स गोइंग टू बॉदर यू, तो फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, अगर आप आगे भी परेशान हो पाए, यानी कहीं आपको लग रहा है कि आप ऐसे बैठ रहे तो परेशान हो जाएंगे, अभी भले ही परेशान नहीं हो रहे पर आगे परेशान हो जाए, तो एक तरीके से वो बता रहा है कि फ्यूचर की बात भी बता रहा है एक तरीके से कि ठीक है अभी आप परेशान नहीं है आपने बताया, परंतु क्या पता बैठे बैठे परेशान हो जाए, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप जा सकते हैं। आई थॉट परहैप्स ही वाज अ लिटिल लाइट हेडेड एंड आफ्टर गिविंग द प्रिस्क्राइब्ड कैप्सूल एट 11 o'clock आई वेंट आउट फॉर अ व्हाइल, और मुझे ऐसा लगा कि उसका सिरप थोड़ा हल्का है, यानी कम बुखार फील हुआ उसको, कि जब से मैंने उसको मतलब वो कैप्सूल दिए हैं तो 11 बजे के आसपास, मतलब तब तक उसका सिर उससे थोड़ा हल्का नजर आया, किसको, फादर को, बच्चे का सिर। तो वो सोचा चलो ठीक है मैं भी थोड़ी देर बाहर चला जाता हूँ, तो बाहर चला गया। ये दिन था, ब्राइट कोल्ड डे था, ग्राउंड कवर हो रखा था बर्फ से विद स्लीट, है ना, और जमा हुआ था पूरा बर्फ से एक तरीके से, और जो पेड़ थे वो बेर थे, नंगे थे, यानी पत्तियां नहीं थी पेड़ों पे, बुशेज झाड़ियां थी, एंड द कट ब्रश एंड द ऑल ग्रास एंड द बेयर ग्राउंड हैड बीन वर्निश्ड विद द आइस, और इस तरीके से सारी घास वगैरह सब साफ हो रखी थी, ग्राउंड एकदम नंगा था, बेर था, और वो बर्फ से पूरी तरह जमा हुआ था, बर्फ छाई हुई थी सब जगह, ठीक है। इस सर्दी का समय एक तरीके से वैसी बात बताई जा रही है किस तरह का बाहर एनवायरमेंट है, फादर थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया है, ठीक है। तो आई टुक द यंग आयरिश सेटर फॉर लिटिल वॉक अप द रोड एंड अलोंग ए फ्रोजन क्रीक, तो बता रहा है कि मैं साथ में क्या ले गया, यंग आयरिश सेटर, एक कुत्ता होता है, आयरिश सेटर एक तरह का कुत्ता है, गूगल कर देखना आपके लिए चेक, एक तरह से आप बोल सकते हो कुछ अपने तरफ से करो, तो आप गूगल पर सर्च करो आयरिश सेटर कैसा कुत्ता होता है देखने में, ठीक है। तो आयरिश सेटर कुत्ते को साथ में ले गया घुमाने के लिए बाहर रोड पे, अब रास्ता सब जमा हुआ है सब जगह, ठीक है, चलना ही मुश्किल हो गया है, इट वॉज डिफिकल्ट टू स्टैंड और वॉक, मतलब खड़े रहना है, चलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ग्लासी सरफेस हो गई, ग्लासी सरफेस मतलब कांच जैसी सतह बर्फ की वजह से, ठीक है। तो वो जो लाल कुत्ता है वो स्लिप बार बार एक तरह से स्लिप हो रहा है, फिसल रहा है ना, और साथ में ये क्या है, साथ में बंदूक लेके गया है अपनी, ये बंदूक लेके गया तो ये भी खुद भी गिर रहा है, बंदूक इसके हाथ से गिर रही है, इस तरह का वातावरण बना हुआ है, इस तरह की एक्टिविटीज चल रही है इनकी, ठीक है। वी फ्लश द कोवे ऑफ क्वेल अंडर हाई क्ले बैंक विद ओवरहैंगिंग ब्रश एंड आई किल्ड एज इट वेंट आउट ऑफ द साइट ओवर द टॉप ऑफ द बैंक। अब देखो अब क्या है, ये बिजी हो गया कुछ कामों में, कैसे काम, मतलब इसको नजर आए कोवे ऑफ क्वेल, यानी क्वेल का झुंड नजर आया, क्वेल एक तरह का पक्षी होता है, तीतर जैसा होता है, किसी ने तीतर दिखा हो, तीतर बटेरे टाइप के छोटे छोटे पक्षी होते हैं जिनके पंख होते ही नहीं एक तरह से, वैसे पक्षी, तो उनका झुंड नजर आया इसको जो कि छुपा हुआ था, फ्लश्ड यानी छुपने की कोशिश कर रहा था, है ना, तो वहां से मतलब एक तरह से छुपके मतलब छुपे हुए थे और वहां से निकल के भागे, तो इन्होंने देखा कि क्वेल पक्षी का झुंड निकल के भागा है और ये उसका पीछा एक तरह करने लग गया उनको पकड़ने के लिए, इसने दो को गोली भी मारी एक तरह से, शिकार खेलने लग गया एक तरीके से देखा जाए, इसने दो को गोली भी मारी, कुछ कोवे थे जो पेड़ पे बैठ गए, कुछ इधर उधर कह सकते हो आप छुप गए, किसमें, झाड़ियों में छुप गए, है ना, इस तरह का ये मतलब उनको पकड़ने की कोशिश करता रहा। इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ यही, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, सिर्फ ये है कि वो किस तरीके से उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो बर्फ की झाड़ियों में छुप जाते हैं, कभी इधर छुप जाते हैं, है ना,
और लगातार ये ट्राई कर रहा है। इसने कुछ मार भी दिए हैं, कुछ बता रहे 2 मार दिए, 5 बज के भाग गए है ना, इधर छुप गए थे इस तरह से ये। परंतु ये काफी खुश था कि भाई मेरे घर के आसपास ही मुझे कोवे का मतलब सॉरी क्वेल का झुंड मिल गया है और मैंने कुछ मारे भी हैं अब, और कुछ मेरे से बच के भाग गए, ये भी अच्छा हुआ क्योंकि अगले दिन भी तो टाइम पास करना है ना वापस से, तो कुछ बचने भी चाहिए जिनसे अगले दिन आके मैं टाइम पास कर सकूँ, इधर से पकड़ सकूँ मार सकूँ उनको। इस तरह की ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया बच्चे को एक तरह घर पे छोड़ के बाहर। ठीक है, अब क्या हुआ, एट द हाउस दिस एट द बॉय हैड रिफ्यूज्ड टू लेट एनीवन कम इनटू द रूम। अब वापस घर पर आया तो घर वालों ने बोला, मतलब दे सेड का मतलब ये है कि वहां पे जो भी था घर में, इसमें मेंशन नहीं किया स्टोरी में घर में और कौन है, ठीक है, बस ये बोला है कि उन्होंने कहा कि बच्चे ने किसी को भी कमरे के अंदर आने से मना किया है, वो किसी को कमरे के अंदर नहीं आने दे रहा। अब कंडीशन ऐसी होगी कि बच्चा कमरे के अंदर नहीं आने दे रहा किसी को, बाप बाहर चला गया और भाई वहां जाके अपनी मतलब मस्ती में एकदम मशरूफ हो गया है, भाई बिजी हो गया, वो तो शिकार खेलने में बिजी हो गया है ना। यू कांट कम इन ही सेड, उसने कहा कि तुम अंदर नहीं आ सकते, यू मस्ट नॉट गेट वॉट आई हैव, तुम्हें वो नहीं लगना चाहिए जो मुझे लगा हुआ है। तो देखो बच्चे की समझदारी देखो, वो क्यों आने से मना कर रहा है दूसरों कमरे में कि भाई मुझे कोई बीमारी लगी हुई है, मैं नहीं चाहता वो बीमारी तुम्हें भी लग जाए। ठीक है, आई वेंट अप टू हिम, मैं उसके पास में गया और मैंने पाया कि वो एग्जैक्टली उसी पोजिशन में लेटा हुआ था जैसा मैं उसे छोड़ गया था, और उसका चेहरा व्हाइट हो रखा था और उसके जो विद द टॉप ऑफ हिज चीक्स फ्लस्ड विद अ फीवर, और उसकी आंखों के ऊपर मतलब उसके आंखों के नीचे मतलब चीक्स के ऊपर एक्चुअल में उसके क्या हो रहा है, गाल पे यहाँ पे एकदम फ्लस्ड बाय द फीवर, मतलब एक तरह से कह सकते हो वो बुखार की वजह से उनका असर नजर आ रहा है उसके गालों पे। स्टेयरिंग स्टिल एज ही हैड स्टेयर्ड एट द फुट ऑफ द बेड, और वो अभी भी लगातार घूर रहा है बेड के फुट को। ठीक है, आई टुक हिज टेम्परेचर, मैंने उसका टेम्परेचर नापा, वॉट इज इट, समथिंग लाइक 100, कितना आया, बोले 100 के आसपास। आई सेड, मैंने कहा 100 के आसपास, इट वॉज 100 and 2 and 4 tenths, ये एक तरह से 102 पॉइंट समथिंग कुछ था। ठीक है, इट वॉज 102, तो उसने बोला कि हाँ 102 था, बच्चा भी बोलता हाँ 102 था। हु सेड, तुमसे किसने कहा, द डॉक्टर, वो डॉक्टर ने कहा योर टेम्परेचर इज ऑल राइट, तुम्हारा टेम्परेचर बिल्कुल सही है। मैंने कहा उससे कि तुम्हारा टेम्परेचर बिल्कुल सही है, देखो जब उससे बोला गया कि भाई 100 के आसपास टेम्परेचर आया है, तो बच्चा रिप्लाई करके बोलता है इट वॉज 102, कि 102 टेम्परेचर है, 100 नहीं है 102 टेम्परेचर है। तो बोल तुमसे किसने कहा, बोले डॉक्टर ने कहा ये। और तो फिर उसका फादर बच्चे को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है कि कुछ नहीं है, तुम्हारा टेम्परेचर सब सही है, इट इज नथिंग टू वरी अबाउट, चिंता करने वाली बात नहीं है। आई डोंट वरी, उसने कहा मैं चिंता नहीं कर रहा, बट आई कांट कीप फ्रॉम थिंकिंग, पर मैं सोचने से बार बार खुद को रोक नहीं सकता। डोंट थिंक, क्या नहीं, क्या सोचने से नहीं रोक सकते, मैंने पूछा। जस्ट टेक इट इजी, इजी मतलब आसानी से लो, मतलब आराम करो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई एम टेकिंग इट इजी, मैं तो आराम से ही हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। ही सैड एंड लुक्ड स्ट्रेट अहेड, मतलब उसने कहा और सीधा मेरी तरफ देखा। ही वॉज एविडेंटली होल्डिंग टाइट ऑन टू हिमसेल्फ अबाउट समथिंग, और वो कोई बात थी जिसपे लगातार टिका हुआ था एक तरीके से, बहुत क्लियरली मतलब साफ नजर आ रहा था कि वो कोई बात है जिसपे वो परेशान कर रही है वो बात उसको। टेक दिस विद द वॉटर, लो इसको पानी के साथ ले लो, गोली उसने दी। डू यू थिंक इट विल डू एनी गुड, क्या आपको लगता है इससे कोई फायदा होगा, बच्चा पूछता है। ऑफ कोर्स इट विल, बिल्कुल फायदा होगा। आई सेट डाउन एंड ओपन द पायरेट बुक एंड कमेंस टू रीड, मैं नीचे बैठा और मैंने पायरेट किताब वापस खोली और उसको पढ़ना शुरू किया। बट आई कुड सी ही वॉज नॉट फॉलोइंग सो आई स्टॉप, परंतु मैं देख सकता था वो फिर से ध्यान नहीं दे रहा है इसलिए मैं रुक गया। अबाउट वॉट टाइम डू यू थिंक आई एम गोइंग टू डाई, ही आस्क्ड, अब देखो क्या पूछ रहा है, बच्चा बोल रहा है कि किस समय पर मैं मर जाऊंगा आपको क्या लगता है। तो फादर बोल रहे हैं वॉट, क्या, हाउ अबाउट हाउ लॉन्ग विल आई विल इट बी बिफोर आई डाई, मतलब कितना समय और है जिससे पहले कि मैं मरूंगा। अब देखो मतलब अचानक एक 9 साल का बच्चा अपने फादर के सामने से बात बोले कि कितना बाकी समय मेरे पास है, मतलब मैं मरने वाला हूँ। तो फादर रिप्लाई कर रहा है यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने वाले नहीं हो, व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ में क्या समस्या है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। ओ यस आई एम, तो बच्चा बोलता है अरे हाँ मैं मरने वाला हूँ। आई हर्ड हिम से 102, मैंने सुना उससे, उसने कहा 102 है मुझे, है 102 तापमान है। पीपल डोंट डाई विद द फीवर ऑफ 102, तो उसका फादर बोलता है अरे लोग 102 टेम्परेचर में नहीं मरते हैं। दैट्स अ सिली वे टू टॉक, ये बिल्कुल ही बेवकूफी तरीका, बेवकूफी भरी तरीका है बात करने का। तुम 102 टेम्परेचर में मरने की बात कर रहे हो, ऐसे नहीं मरते हैं 102 वाले बुखार में। आई नो दे डू, मैं जानता हूँ मर जाते हैं। एट स्कूल इन फ्रांस द बॉयज टोल्ड मी यू कांट लिव विद द 44 डिग्रीज, तो बोलता है कि फ्रांस में जब मैं स्कूल में था तो लड़के मुझसे बोल रहे थे तुम 44 डिग्री में भी जी नहीं सकते। आई हैव गॉट 102 और मुझे तो 102 डिग्री है,
मतलब देखो, बच्चा बच्चे को दूसरे बच्चों ने बुलाया क्लास में या जो भी स्कूल में कि भाई 44 डिग्री में तुम जी नहीं सकते और मुझे तो 102 डिग्री है। ही हैड बीन वेटिंग टू डाई ऑल डे। वो पूरे दिन बस इसी बात का वेट कर रहा था कि मैं कब मरूंगा। एवर सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 9 बजे से वो इसी बात का वेट कर रहा था, मैं अब मरने वाला हूँ। अब उसका फादर रिएक्ट करता है, पुअर सैड, बेचारे सैड। मैंने कहा, मतलब उसने, फादर ने कहा कि बेचारे सैड, ओ बेचारे सैड, इट इज लाइक माइल्स एंड किलोमीटर। ये बिल्कुल मील और किलोमीटर की तरह है। जिस तरह से मील होती है और किलोमीटर दो अलग अलग यूनिट होती है, उसी तरीके से बता रहा है कि तुम मरने वाले नहीं हो, ये डिफरेंट थर्मोमीटर है, ये अलग थर्मोमीटर है। देखो, ऑन दैट थर्मोमीटर 37 इज नॉर्मल। जिस थर्मोमीटर में तुम 44 काउंट कर रहे हो ना, उस थर्मोमीटर में 37 नॉर्मल है, यानी डिग्री होता है ना, तो उसमें 37 नॉर्मल है, 37 डिग्री। तो 44 की बात करो, 44 से मर जाओगे ठीक है, पर उसमें नॉर्मल 37 होता है। परंतु जिस थर्मोमीटर से हम नाप रहे हैं ना, उसमें 99 या 100 नॉर्मल है और तुम्हें सिर्फ 102 है, एक तरीके से बोल सकते हो। तो बोल रहा है ऑन दिस काइंड इट्स 98, यानी इस वाले थर्मामीटर पे क्या है, 98 नॉर्मल है, एक तरह से इन्होंने लिख दिया 98 नॉर्मल है, ठीक है। तो वो तुलना करके दिखा रहा है समझाने के लिए, जैसे 1 किलोमीटर में, मतलब 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, एक तरह से मान लो ना, तो मील अलग है, किलोमीटर अलग है। उस तरह से जिस 44 पे तुम मरने की बात कर रहे हो, उस थर्मा वो डिफरेंट थर्मामीटर है, उसमें 37 नॉर्मल है, और जिससे हम नाप रहे हैं इसमें 98 नॉर्मल है। तो तुम दोनों को तुलना मत करो। तो फिर बच्चा पूछता, आर यू श्योर, क्या आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप पक्का? तो बोलता है एब्सोल्यूटली, बिल्कुल। मैंने कहा इट्स लाइक माइल्स एंड किलोमीटर, बिल्कुल जैसे मील या किलोमीटर होते हैं ना, वैसे ही ये सेल्सियस एंड फारेनहाइट डिफरेंट चीज है। यू नो लाइक हाउ मेनी किलोमीटर वी मेक व्हेन वी डू 70 माइल्स इन द कार। तुम्हें पता है जब हम कार में 70 मील चल लेते हैं तो हम कितना किलोमीटर चल लेते हैं, तुम्हें पता ही है, तुम जानते हो। जैसे किलोमीटर अलग होते हैं, मील अलग होते हैं, बच्चे को ये पता होगा, तभी वो फादर जो है ना उस तरीके से उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें पता है जब हम गाड़ी में 70 मील चलते हैं तो कितने किलोमीटर चलते हैं हम, ठीक है। तो ओ ही सैड, उसने कहा अच्छा। बट हिज गेज एट द फुट ऑफ द बेड रिलैक्स स्लोली, और धीरे धीरे वो जो लगातार बेड के फुट को देख रहा था, वो भी अब नजर उसकी वहां से हटने लग गई है। द होल्ड ओवर हिमसेल्फ रिलैक्स टू फाइनली, एंड द नेक्स्ट डे इट वाज वेरी स्लैक एंड ही क्राइड वेरी इजीली एट लिटिल थिंग्स दैट वर ऑफ नो इम्पोर्टेंस। अगले दिन वो सब धीरे धीरे नॉर्मल हो गया और वो छोटी छोटी चीजों पर रोने लग गया, जैसे वो नॉर्मली हमेशा करता है। हर छोटे जो मतलब इतनी इंपॉर्टेंस वाली चीज नहीं होती ना, उन पर भी रोना धोना शुरू कर दे, वैसा उसने दोबारा शुरू कर दिया, यानी बच्चा हो गया अब नॉर्मल। तो समझ में आई स्टोरी कि देखो, आपने नोटिस किया होगा पूरी कहानी में एक्चुअल में बच्चा बहुत ही मैच्योर वे में एक्ट कर रहा है। कैसे एक्ट कर रहा है, बहुत ही मैच्योर वे में एक्ट कर रहा है। उसने बिल्कुल मैच्योरिटी दिखाई, बार बार बोलता है, देखो बोलता है कि एक तरह से बोल रहा है मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। वो अपने फादर से बोलता है आप चाहो जाके सो जाओ, मुझे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और जब बाद में किसी को कमरे में घुसने नहीं दे रहा, बोलता है मैं नहीं चाहता ये बीमारी किसी और को लगे। तो देखो मतलब बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा समझदारी दिखा रहा है, ही इज शोइंग मोर मेच्योरिटी। इस मतलब कह सकते हो स्टोरी में देखो एक चीज तो साफ नजर आती है, पैटर्नलिज्म। क्या है पैटर्नलिज्म? पैटर्नलिज्म का मतलब वो फादर है ना, वो एक तरह से डील कर रहा है कि बच्चे को, बहुत छोटा बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता। एक तो वो मतलब फादर बच्चे को उस तरह से डील कर रहा है कि बच्चे को कुछ नहीं पता है और कुछ नहीं आता है, और एक तरीके से बच्चा इतना समझदार नहीं है, बिल्कुल नादान सा है, उस तरह से एक्ट कर रहा है फादर। तो इसलिए वो हर चीज को मतलब अपने नजरिए से बताने की कोशिश कर रहा है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, देखो तुम अब सो जाओ, तुम बेड पे जाकर सो जाओ, तुम्हें अब ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे करना है, वो सब चीजें उसको डिक्टेट कर रहा है एक तरीके से। परंतु बच्चा फादर की समझ से ज्यादा समझदार है मोस्ट ऑफ द चीजों में। वो अलग चीज है, उसको सेल्सियस थर्मामीटर का, मतलब सेल्सियस फारेनहाइट का डिफरेंस नहीं पता, परंतु ऐसे देखा जाए तो बच्चा अपनी 9 साल की उम्र के हिसाब से ज्यादा समझदार है। ये फादर नहीं समझ पाया पूरी स्टोरी में, एंड में जाके समझा, बाकी वो नहीं समझ पाया कि वो बच्चे को बिल्कुल एक बच्चे की तरह डील कर रहा है, परंतु वो बच्चा ज्यादा समझदार है, ठीक है। इसमें एक चीज है और वह मिस कम्युनिकेशन वाली इशू। क्या है? मिस कम्युनिकेशन। मिस कम्युनिकेशन यानी कि एक तरह से बच्चे ने बात शुरू में रखी नहीं, तो फादर को पता चले नहीं, और फादर समझ में पाया नहीं कि बच्चे को क्या समस्या है। तो एक तरह से मिस कम्युनिकेशन, दोनों ने अपने आपस में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं किया, संवाद स्टैब्लिश नहीं किया, है ना। इस वजह से उनको समझ में आया नहीं समस्या एक्चुअल में है क्या, ठीक है। एक चाइल्ड साइकोलॉजी वाली चीज भी है इसमें। चाइल्ड साइकोलॉजी ऐसे है कि भाई एक बच्चा है, उसको कोई चीज परेशान कर रही है, तो बच्चे अक्सर बहुत गहर चिंतन में पड़ जाते हैं, वो एक किसी बात से डर जाते हैं ना, तो उस डर में काफी देर तक घुटते हैं एक्चुअल में वो। और जब तक वो मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाती है ना कि वो बताने को मजबूर हो जाए, वो बताते भी नहीं है, बहुत बार बताते भी नहीं है, वो परेशान होते रहते हैं। अब बड़े लोग तो आपस में बात शेयर कर लेते हैं ना, समझदार होते हैं, परंतु छोटे बच्चे नहीं कर पाते हैं शेयर इजीली बात को, जब तक कि आप उनको मना ना पाए बात शेयर करने के लिए, या फिर आप उनके लेवल पे खुद को रख के एक तरीके से उनकी तरह उनको मतलब उनके साथ ऐसा एक्ट करें कि आप भी बच्चे बन जाए, फिर ही वो बात रख पाएंगे।
तो चाइल्ड साइकोलॉजी वाली बात भी इस स्टोरी में बहुत स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट की गई कि बच्चे की साइकोलॉजी किस तरह की हो सकती है भाई, कि उसकी साइकोलॉजी ऐसी हो सकती है कि वो किसी बात से बहुत परेशान हो रहा है परंतु आप समझ नहीं पा रहे हैं, परंतु वो बताने की कोशिश नहीं करेगा। वो ऐसा बोलेगा नहीं सब कुछ ठीक है मैं परेशान नहीं हूँ, परंतु या तो बहुत डर जाएगा, इतना डर जाएगा कि बोल ही नहीं पाएगा बच्चा, कुछ बताएगा ही नहीं आपको, या बोल रहा है तो फिर भी बात छुपाएगा, जैसा इसमें हुआ है, वो बात कर रहा है परंतु बात बता नहीं रहा। तो ये चीजें इसमें कुछ थीम है पैटर्नलिज्म की, मिसकम्युनिकेशन की, चाइल्ड साइकोलॉजी की, है ना। तो इस तरह की स्टोरी है, और अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने कितने ढंग से स्टोरी को सुनाया है, लिखा है, बहुत सिंपल सी स्टोरी है, आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। और ये वीडियो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी ईजी रहे अपना सिलेबस पूरा करने में, ठीक है। मैं मिलूंगा आपको जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।